इस निबंध में बाजार के उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग पर सूक्ष्म चिंतन प्रकट किया गया है। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं, जिसमें लेखक ने ये बताया है कि किस प्रकार से बाजार मनुष्य की जरूरत का सामान उपलब्ध करवाता है। शोषण दिखावे या अहम पूर्ति के लिए नहीं होता, बल्कि बाजार होता है आवश्यकता की वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के लिए। लेखक के एक मित्र बाजार से मामूली सी चीज खरीदने जाते हैं और वापस लौटते समय बहुत सारा सामान लेकर के आते हैं। पूछने पर वह बताते हैं कि उनकी श्रीमती जी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। लेखक के अनुसार सारे पुरुष ऐसी स्थिति में अपनी पत्नी की ओट लेते हैं, लेकिन ऐसी फालतू खरीद के पीछे पैसे की गर्मी अर्थात मनी बैग लेखक ने इसे कहा है वह होता है। पैसा पावर है, उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग अपने आसपास सामान, बंगला, कोठी आदि इकट्ठा किए रहते हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे को पावर मानकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं। ये इस निबंध में बताया है कि किस प्रकार से लोग एकत्रित करने की भावना से ग्रस्त हैं और पैसे को जुड़ा हुआ देखकर फले फूले रहते हैं। उस मित्र ने बताया कि खरीद के सामान के कारण सारा मनी बैग खाली हो गया। फालतू खरीद का एक अन्य कारण है बाजार का आकर्षण। जैसा कि आप कभी मॉल वगैरह में जाते होंगे तो आप भी देखते होंगे कि वो आकर्षित करने के लिए सभी सामान इस प्रकार से रखते हैं कि खरीदने वाला उपभोक्ता ना भी खरीदना चाहे तो वह खरीदने के लिए विवश हो जाए। बाजार तो शैतान का जाल है। लेखक के अनुसार बाजार शैतान का जाल है। वह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही हो जो ना फंसे, मतलब जो उसके जाल में न फंस जाए वह बेहया कहा जाता है। बाजार वास्तव में अपने रूप जाल द्वारा खरीदारों को मोहित करता है। वह लूटने और लुटने के लिए प्रेरित करता है। बाजार में आमंत्रण होता है, यानी आपको बाजार बुलावा देता है, परंतु आग्रह नहीं होता। यही कारण है कि उसे पाने की चाह और अपने अभाव, यानी जिसके पास पैसे की कमी होती है, वह उठ खड़े होते हैं। यदि कोई अपने को ना जाने तो बाजार उसे पागल बनाकर छोड़ देता है। दूसरे मित्र का अनुभव क्या कहता है इस निबंध में लेखक के अनुसार? एक अन्य मित्र दोपहर को बाजार गए तो शाम को लौटे और बिल्कुल खाली हाथ। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने का मन करता था, इसलिए कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि एक वस्तु लेने का मतलब था शेष को छोड़ना। सही बात थी, अगर अपनी चाह का पता नहीं होता तो सब और की चाहें घेर लेती हैं, ऐसे में कोई परिणाम या गति नहीं हो पाती, यानी हम कुछ भी नहीं खरीद पाते। बाजार का जादू कैसा है? बाजार का जादू रूप का जादू है। यह तभी असर करता है जब मन खाली हो। खाली मन होने पर सब ओर का निमंत्रण पहुंच जाता है, यानी सभी चीज़ें आपको बुलाने लग जाती हैं और सभी चीज़ें आपका खरीदने का मन करने लग जाता है। और जब ये जादू उतर जाता है तो ये वस्तुएं आराम पहुंचाने की बजाय आपका आलस्य बढ़ाने लग जाती हैं। हाँ, इससे स्वाभिमान और अभिमान जरूर बढ़ जाता है कि मैंने ये वस्तु खरीद ली, मैंने ये वस्तु खरीद ली, और संसार की जकड़ भी बढ़ती जाती है। जादू को रोकने का यह उपाय है कि बाजार जाने से पहले मन खाली हो, मन में लक्ष्य होना चाहिए, तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, यानी कि हमें बाजार में आवश्यकता की वस्तुएं लेने के लिए जाना ही सही हमारा लक्ष्य है। बंद मन का अर्थ है शून्य हो जाना।
शून्य होने का अधिकार सिर्फ परमात्मा का है, मनुष्य तो पूर्ण है, इसलिए इसमें इच्छाएं उठेंगी, इच्छाएं भी अनंत हैं, और इच्छा का विरोध करना झूठ है। यह डांट दिखा करके मन को बंद नहीं किया जा सकता, इस लोभ को जीता नहीं जा सकता। मन को बलात् बंद कर दें यदि हम, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हठ योग कहते हैं। इससे यह संकीर्ण हो जाएगा, यानी संकरा हो जाएगा। वास्तव में अपनी अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म वही है जो अपूर्णता के बोध को जगाता है। इसलिए हमें अपने मन को बलात् नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। हाँ, मनमानी की छूट मन को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह अखिल का अंग है। लेखक इस पाठ में भगत जी का किस्सा सुनाते हैं। लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं, वो चूरन बेचते हैं। उनका नियम है कि वो प्रतिदिन 6 आने से अधिक नहीं कमाते, इसलिए वे अपना चूरन थोक व्यापारी को ऑर्डर पर नहीं देते। निश्चित समय पर अपनी पेटी उठाकर चूरन बेचने निकल जाते हैं और उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। कुछ लोग तो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट करने के लिए चूरन ले लेते हैं। जो ही 6 आने की कमाई पूरी होती है, वो बाकी बचा चूरन बच्चों में मुफ्त दे देते हैं। वे सदा स्वस्थ बने रहते हैं। लेखक का विश्वास है कि ऐसे भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। वह शायद निरक्षर हैं, अनपढ़ हैं, बड़ी बड़ी बातें भी नहीं जानते, परंतु बाजार का जादू उनके सामने विवश हो जाता है। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, परंतु यह निर्मम निर्मम व्यक्ति के मन में पैसे पर दया जरा भी नहीं आती। पैसे की व्यंग्य शक्ति दारुण है। पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग्य की लीक उठती है कि हाय, मेरे पास यह मोटर क्यों नहीं है, तूने मोटर वाले माँ बाप के घर जन्म क्यों नहीं लिया। यह व्यंग्य शक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतघ्न बना डालती है, परंतु उस चूरन वाले फक्कड़ के सामने यह व्यंग्य शक्ति पानी पानी हो जाती है। वह कौन सी ताकत है जो पैसे के व्यंग्य के सामने जीतती नहीं है। उसे नाम चाहे कुछ भी दे दो, परंतु सत्य यह है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ यह बल नहीं है। संचय की तृष्णा यानी इकट्ठा करने की भूख, वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन भगत जी और लेखक की राम राम हुई। लेखक ने देखा भगत जी सबके साथ हंस बोल रहे हैं, बाजार में खुली आंखों से आते जाते हैं, बाजार का सब सामान देखते हैं। उनके मन में सारे सामान के प्रति आशीर्वाद का भाव है, विद्रोह का नहीं, क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वो खुली आंखें, तुष्ट मन और मग्न होकर सारे फैंसी स्टोर छोड़कर अंसारी की दुकान पर जीरा और काला नमक खरीदते हैं और चुपचाप चले आते हैं। उनके सामान बाजार अभी तक, जब तक कि जीरा चाहिए, जीरा लेते ही उनका बाजार शून्य हो जाता है। फिर चांदनी चौक के आकर्षण बुलाते रहे या कहीं चांदनी बिछी रहे तो बिछी रहे, वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक के अनुसार बाजार को वही मनुष्य सार्थक करता है जो कुछ खरीदना चाहता है। जो लोग केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को एक व्यंग्य देना चाहते हैं, वे बाजार से ना कुछ लाभ उठा सकते हैं, न बाजार उनको कोई लाभ दे सकता है। ऐसे लोग तो बाजारूपन और कपट को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे बाजारों से शोषण बढ़ता है, कपट सफल होता है और निष्कपट मारा जाता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी है, अनीति शास्त्र है।